हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कविता है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मर फीलिंग कम्स। जैसा कि दिख सकता है यहाँ पे कविता 3 सेक्शन में यहाँ पे बटा हुआ है, और इस कविता में उन्होंने जो है जो मानसिक वेदना है यानी पीड़ा है, इस कविता का केंद्र बिंदु रहा है। और कई ऐसे बॉडी के पार्ट को यहाँ पे जैसे कि नर्व, फीट, हार्ट, इन चीज़ों के बारे में वो बताई है ताकि वो अंदर के पीड़ा को बता सके। और वैसे भी बहुत सारी कविताएं उनका ऐसा है जिसमें वो पेन या डेथ के बारे में वो फोकस की है। उनकी संवेदनशीलता और शर्मिलापन का परिणाम है जो कि कविता में देखने को मिलता है। अपने अंदर की सारी एनर्जी को अपनी कविताओं में डालने में वो कामयाब रही है। अकेलेपन रहने का बेशक ही उनकी जो क्रिएटिविटी है उसकी रचनात्मकता को बढ़ाया। और यह कविता के बारे में अगर बात करें तो यह कविता अंदर छिपे हुए दर्द का एक एक्सप्रेशन है, उनके आत्मा का पीड़ा जो कि अंदर तक झकझोर रहा है, या हो सकता है किसी चाहने वाले का मृत्यु, या हो सकता है कोई ऐसा सदमा। तो कविता के शुरुआत से ही स्पीकर ने ये बात कही है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा भयानक जब किसी चीज़ का हम अनुभव करते हैं या हम कोई सदमा का जब हम शिकार होते हैं तो हम बिल्कुल नम हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, चेतनाशील हो जाते हैं, और आसपास के चीज़ों के प्रति जो संवेदनशीलता होती है एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उस सारे चीज़ों के प्रति बिल्कुल हम अनअवेयर हो जाते हैं। और काफ़ी हम निकलने का प्रयास करते हैं उन सदमा से, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मर फीलिंग कम्स, कि अत्यंत मानसिक वेदना के बाद कि कोई कैसा महसूस करता है। हालांकि यह दर्द जो है फिजिकल नहीं है बल्कि मानसिक है। द नर्व सीट सेरेमोनियस लाइक टॉम्स, कि दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है, मन में मात जैसी सन्नाटा पसरा हुआ है। और नर्व सीट सेरेमोनियस लाइक टॉम्स, कि दिमाग में अंतिम संस्कार चलने वाली स्थिति है, वो मातम में है, समाधि के तरह है। द स्टीप हार्ट क्वेश्चंस वॉज इट ही डेट बोर एन यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। यहाँ पे हार्ट के बारे में है कि हार्ट बिल्कुल ही बेजान हो चुका है, अलग थलग महसूस करता है, हार्ट स्टिफ हो गया है। और मानो कि वो ऐसा जो है वो सवाल कर रहा हो कि ऐसा दर्द क्या उसने हाल में महसूस किया था या सदियों पहले। अब यहाँ पे जो ही आया है जो कि कैपिटल फॉर्म में है, जीसस क्राइस्ट के बारे में जब उन्हें सूली पे चढ़ाया होगा, जिस दर्द से वो गुजरे होंगे, तो उस सेंस में भी यहाँ पे उस रेफरेंस में यूज किया गया है। और आगे लिखा है द फीट मैकेनिकल गो राउंड अ वुडन वे ऑफ ग्राउंड और एयर और ऑट। यहाँ पे वो बताई है कि कैसे प्रेत के जो फीट हैं यानी कि मैकेनिकल, मानो कि वो एक ह्यूमन टॉय या रोबोट के तरह वो अब एक्ट करता है। फीट यानी कि पैर अपने सेंसेस को खो दिया है, बस एक डिवाइस के तरह, जो एक यंत्र के तरह अब वो, जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है और वो अब एमलेस हो चुका है। तो अब वो मानवीय व्यवहार जो है उसमें नहीं दिखता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है। सो यहाँ पे लिखा गया था ऑफ ग्राउंड और एयर और ऑट रिगार्डलेस ग्राउंड, यानी कि वो बताई है कि लाइफ बिल्कुल ही उसके लिए एमलेस हो चुका है। और उसका जो फीट है यानी कि जो वो चलती है उसका रास्ता, एक वुड के तरह बिल्कुल ही लाइफलेस हो गया है, संवेदनहीन हो गया है। वो अपने आसपास के चीज़ों से बिल्कुल ही अनअवेयर है। और यहाँ पे जो लिखा गया है कि क्वेट्स अ क्वेट्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन, तो यहाँ पर वो बताई है कि जो अब उसमें एक सेटिस्फैक्शन आ चुका है, एक संतुष्टि आ गया है, लेकिन वह संतुष्टि एक स्टोन के तरह, जो यहाँ पे लिखा गया था क्वेट्स अ क्वेट्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन, कंटेंटमेंट संतुष्टि, अब ना ही वो जो है दर्द महसूस कर सकती है, ना ही उसे खुशी महसूस हो सकता है, एक स्टोन के तरह, एक पत्थर के समान अब बिल्कुल ही लाइफलेस हो चुका है। तो यहाँ पे उसके फीलिंग का यहाँ पे जो है वो अंदर क्या महसूस कर रही है, तो उसका यहाँ पे तुलना किया गया है स्टोन से, एक पत्थर के समान जो कि बिल्कुल ही लाइफलेस है, उस सेंस में यहाँ पे बताया जा सकता है। दिस इज द आवर ऑफ लीड रिमेंबर्ड इफ आउट लिव्ड,
यहाँ पे मेटाफोरिकली यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लीड के बारे में बताया गया है कि जैसा कि लीड हैवी होता है और इसमें कोई गति नहीं होता है और ना ही कोई सेंस ये महसूस कर सकता है, तो उसी सेंस में यहाँ पर स्पीकर ने यहाँ पे बताई है कि वो बहुत ही कन्फ्यूजन असमंजस में इस वो वाली स्थिति में है। उसके काम करने की जो उसके अंदर जो इच्छा है वो बिल्कुल ही वो पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो मानसिक आघात हुआ है वो उसके वजह से वो बिल्कुल ही मुक्त हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो आगे का जो उसका स्थिति है, दिस इज़ द आवर ऑफ लीड रिमेंबर्ड इफ आउटलाइव्ड अ फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट चील देन स्टीपर देन द लेटिंग गो। तो मानसिक आघात ने उसे बिल्कुल ही मुक्त कर दिया है, वो एक निर्जीव पत्थर की तरह मानो कि जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई जान नहीं है। और आगे फिर लिखा है रिमेंबर इफ आउट लाइव्ड एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो। और यह जो अनुभव है जिस तरह का वह अभी अनुभव कर रही है इस स्थिति में, इस दर्द को अगर वो झेल भी पाती है, अगर उसे झेलने में वो मैनेज भी कर पाती है, तो शायद ही इस अनुभव को जो है किसी और को वो बता सकती है। तो यहीं पर लिखा है रिमेंबर्ड इफ आउट लाइव्ड एज फ्रीजिंग पर्सन्स रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट चील देन स्टीपर देन द लेटिंग गो। तो ऐसा पीड़ा का जो भाव है वो एक डेथ के समान अब हो जाता है, जिसमें पहले बॉडी फ्रीज हो जाता है जैसा कि लिखा है एज फ्रीजिंग पर्सन्स रिकलेक्ट द स्नो, कि सबसे पहले अब जो आगे का स्थिति है अब वो बिल्कुल ही डेथ के समान हो चुका है, बॉडी फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद जो है उसमें स्टीपर यानी कि बॉडी अब बिल्कुल ही नम हो चुका है, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है, किसी चीज़ का वो अनुभव नहीं कर सकती है। और फाइनली जो है देन द लेटिंग गो, फाइनली वो उसका शरीर जो है अब इन सारे उसके अंदर जो ये सारे चीज़ चल रही है अब उसे वो गिव अप कर देता है, यानी कि वो बिल्कुल ही एक शून्यतापन में, यानी कि उसका डेथ हो जाता है, फाइनली डेथ हो जाता है इस सेंस में।